हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में नाइट व्लॉग कर रहे हैं हम। तो देख रहे हो आप, लाइट्स हो चुकी हैं, अंधेरा हो रहा है, अभी भी लाइट है थोड़ी। एक्चुअली रात को मैंने व्लॉग कभी नहीं किया है, इसमें मोटो व्लॉग खासकर, तो मोटो व्लॉग रात को नहीं किया है। तो मोटो व्लॉग करते हैं अभी, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर यहाँ से, न्यू प्लॉट वाले एरिया में। अभी हम, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, यू कैन एन्जॉय द बीप्स ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स बिकॉज जाम बहुत होता है यहाँ पे। तो आप बस हॉर्न ही सुनते रहो यार इनके, जब मैं नहीं बोलूँगा तब आप इनके हॉर्न सुनो, और जब मैं बोलूँगा तो आप मेरी बात सुनो, और क्या, दैट सिंपल। जो छोटी लाइट्स होती हैं वो ऑन की हुई हैं, मेन लाइट अभी ऑन कर दूँगा मैं। ये देख सकते हो आप, ये थ्रो है जो मैंने वाइट लाइट लगवाई थी इस पर। मेन चीज़ बस ये है कि इसके लो और हाई का कुछ फ़र्क नहीं दिखता। ये देखो मैं बताता हूँ अभी आपको, ये लो है, ये हाई है। हाँ बोलो, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क पड़ता है आगे वाली गाड़ी पे, हल्का सा थ्रो पड़ता है इसका। लेकिन यार इसका मतलब ये है कि हाईवे पे अगर चलानी हो लगी तो नहीं है, बैठ जाओ साइड पे। साइड पे बैठो, साइड पे। इधर पौड़ियां बनी हुई है, इधर बढ़ाओ आगे। लगी तो नहीं है ना आंटी? हाँ वो तो है, नेरे पता नहीं लगता। थोड़ी देर बैठाओ, थोड़ी देर। लगी नहीं है, बचाओ ये हो ना। पीछे बैठे थे एक्चुअली, देखा नहीं खड्डा, तो उधर से स्लिप हुई है स्कूटी शायद। यहाँ भी है जैसे, ये रिपेयर ही नहीं हुए हुए हैं। चलो बचाव हो गया अभी, वही तो ये जानने की आया थे, रात को दिखता नहीं है साथ में। कुछ स्लिप हो गई या फिर किसने हिट की है? स्लिप हो गई थी स्कूटी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये खड्डे की वजह से, वही तो, ये रिपेयर होना चाहिए वैसे। हाँ हाँ चलो बचाओ, ये आस्ता से जाए उन। सो गाइस, ये होता है अगर खड्डे आप नहीं देखते हो तो। तो हुआ क्या, पीछे यहाँ पे ना, ये जो रोड है, आप जानीपुर से आते हो रिहाड़ी वाली साइड, तो बीच में ये गैप आता है थोड़ा सा, जहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। दो तीन खड्डे ऐसे डीप हैं कि एक तो स्कूटी का टायर छोटा होता है, तो वो बीच में जब घुसे तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, मैंने इनसे पूछा कि हिट तो नहीं हुआ, किसी ने हिट तो नहीं किया? बोलते नहीं, एक्चुअली खड्डा दिखा अचानक से, जैसे मैं देख रहा हूँ इतनी सी लाइट पड़ती है बस, तो खड्डा जैसे इनको दिखा तो इन्होंने इंस्टेंट ब्रेकिंग की। अब शायद एंटॉर्क थी उनके पास और उसमें शायद डिस्क थी, तो जब इन्होंने अचानक ही ब्रेक लगाई, और लेडीज़ जैसे मतलब बैठते हैं दोनों इस साइड लेग करके, क्रॉस करके बैठो तो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो वो इस साइड करके दोनों लेग्स करके बैठे थे, तो जैसे इंस्टेंट ब्रेकिंग हुई वो आगे आ गए और वो गिर गए। लेकिन चलो यार, एक अच्छी बात है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं लगी है उनको, खाली थोड़ी बहुत खरोचें आई हैं यहाँ पे हाथ में, तो उतना तो चलो चलता है। और साथ में पीछे कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, वो होती तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि यार आराम से चलाओ रात को, ज़्यादातर रात को बिल्कुल आराम से चलानी चाहिए आपको बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर ज़्यादातर। फोर व्हीलर पे तो चलो थोड़ा बचाव हो जाता है। बहुत जाम लग गया यार यहाँ पे, पीछे भी बहुत जाम था। तो मैं हूँ इस अभी शकुंतला वाले एरिया में। रात की पेशेंस नहीं है किसी में भी, थोड़ा पेशेंस रख के चलो तो यार ये जाम कभी नहीं लगता। उस साइड ज़्यादा लग गया, इस साइड हमारा वाला क्लियर है, हमारी वाली साइड क्लियर है बिल्कुल। तो हम निकलते हैं। तो यार ऐसी दुर्घटना होती रहती हैं, बस ये है कि आप थोड़ा बचा के चलो,
और मेन बात सही थी कि आंटी ने हेलमेट भी पहना हुआ था, के कारण आप हेड इंजरीज से बच सकते हो आप। सो यार जम्मू में रात को बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है, लाइट ही लाइट्स हैं हर जगह। किसी भी सिटी में अगर आप जब रात को चलाते हो ना बाइक, तो अलग ही फील आती है। एक वाइज़र तो नीचे कर नहीं सकते बिकॉज क्रोम वाइज़र है और इसमें कुछ दिखता नहीं है, जैसे मैं नीचे करके देखा वो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है क्रोम वाइज़र के साथ कि आप नीचे नहीं कर सकते, इसको क्लोज नहीं कर सकते और आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है बहुत ज़्यादा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।